अच्छा है कि जाके बताएंगे उन महिलाओं को, तो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कोशिश करें, एक दूसरे से सीखना होता है। स्टडी में यहीं पर किया है काम, ये वाली मशीन से ही है, बाकी पैर वाली मशीन से कई जगह अलग अलग गांव में अलग अलग जिलों में वहाँ पर बहुत कम थे अपने पास। अब इसका अपना मतलब आमिर खान ने तो इसका वो करा था शुभारंभ, वही तो मैं तो आज फोटो देखे आशु भाई के पास, उन्होंने ये कब करवा दिया, उन्होंने जब वो किरण गई थी आप बात कर रहे थे उसी दिन शाम होटल में फिर करवाया, और उसके वहाँ जो शाम के टाइम गए तो आज मैंने देखे थे फोटो उनके लैपटॉप में थे, उन्होंने बताया डिग्निटी एंड डिजाइन ये नाम रखा है, मतलब है गरिमा, और डिजाइन का मतलब नए नए तरीके के जो आप बनाते हैं ना, ये बैग इस तरीके से उसमें फूल पत्ती अलग लगा दी, तो डिजाइन अलग अलग आपकी डिजाइन, कोई किसी से नहीं पूछा कि कौन क्या, जिसको जो आया वो उसने कर, बिल्कुल अपनी सोच, हाँ जैसे ये वाला ये अब उस मशीन में ही है, तो कोई ने क्या बनाया कोई ने उन्हें ये हमारे खुद के डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार। तो आमिर खान को मतलब यकीन नहीं हो रहा था, उन्होंने बहुत खुशकिस्मत बोले जो आपने मेरे से इतनी बड़े वो, और आधा घंटे का टाइम लिया उन्होंने हमारा, लेकिन हम लेट हो गए, वो राइट टाइम पे थे। तो क्या पूछा आमिर खान ने आपसे? यही पूछा इसी के बारे में, मतलब बोले मुझे तो यकीन नहीं था कि ये लोग भी इतना काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कर ही सकते हैं सिलाई का काम। हाँ तो उनको फाइल भी दिया और बताया कि ये खुद महिलाओं ने बनाया। तो ट्रेनिंग का बताया आपने? ट्रेनिंग भी बताई, 7 दिन की ट्रेनिंग हम लोग ने, सारी महिलाएं गई यहाँ से थोड़ी सी दूर पे थे 15-16 किलोमीटर, वहाँ जाके काम कर, जब हम जो काम करते थे वो तो आपको पता ही है, लेकिन जब वो काम करते तो हमको इतनी वो शर्म लगती थी, ये काम करने में क्या है, अगर इससे दूर भी होता तो महिलाएं जाके कर लेती, और ये करके बताया और उसका ये प्रूफ है, ये किसी ने नहीं, हाँ ये सब उन्हीं को दिया, आसिफ जी ने दिया। अच्छा हाँ वो तो अलग ही खड़े थे, फिर हम महिलाओं के थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, लोगों ने इतने आ रहे थे बार बार गोरबी वाला प्रोग्राम में, उससे सरकारी प्रोग्राम, हाँ सरकारी में, हाँ तो आपको उसमें अवार्ड भी कुछ मिला? हाँ अवार्ड मिला नहीं, आमिर खान ने दिया। अच्छा एक है वो बोलते वचन ऐसा कुछ है, तो आपने वो भाषण दिया सुना? हाँ लेकिन मेरे को बताया नहीं था कि किस विषय में। अच्छा तो पहले ही फर्स्ट में जब भी कहीं अपन जाते हैं तो फर्स्ट में देवास जिला क्यों रख देते, ना बताते ना कुछ नहीं, फिर हम हमारे अंदाज से बोल देते कि ये कोई कहानी थोड़ी है जो अपन पढ़ के बताएं। हाँ, कोई नकली चीज तो आप हाँ, नहीं रहे, अपने जो जिंदगी ये तो में हमने मतलब करा हुआ है काम, तो फिर हमने बताया वो चीज। तो वाकई में गोरबी वालों को भी लगा, जो वहाँ पर जिनको बुलाए थे मुख्य अतिथि बना के, वो भी बोल रहे थे अगर हमने आपने गरिमा नाम इसका रखा प्रोग्राम का, तो गरिमा अभियान तुमने ये तो मान सम्मान के लिए रखा, बोले हम अगर गोरबी रखें तो चलेगा, मिनके बराबर चलेगा, ये भी उनको भी बताया। अब वो उन्होंने पूछा ही ऐसा पूछा उन्होंने ट्रेनिंग, हाँ, किसने ट्रेनिंग दी, कौन हाँ, संस्था जुड़ी इसमें, ये आपके तरफ का बताया था उषा इंटरनेशनल। अच्छा उषा इंटरनेशनल तरफ से है जो हमने ये काम किया, और ये मोबाइल कवर और ये फाइल कवर। अच्छा, वो उनके वहाँ स्थान पे दिया जाऊँ रुके, तो जिस टाइम वो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ अलग ही भाषणबाजी चली। अच्छा, वहाँ हमने बताया ये महिलाओं के लिए क्या है क्या नहीं, सब लोग कुछ तो मतलब हीरो को देख के इतना वो कर रहे थे, हमको उससे नहीं था वो, हमको उससे था कि उन्होंने हमारी सोच के ऊपर इतने दूर से वो व्यक्ति आए, उसने उस बात पे ध्यान दिया। फिल्म में तो उनको सब देखते हैं, वो अलग एक बात होती है, लेकिन जब जिस बात के लिए अपन ने उनको बुलवाया है। अभी ये सत्यमेव जयते का एपिसोड आने वाला है, हाँ। उसमें भी शायद आप लोग आए थे गांव में, पता नहीं है सर उसमें तो मेरे को नहीं, सागर चौपाल में कोई टीम आई थी आप, हाँ, थे ना? वो दिवस के थी आप जब आए थे ना, हाँ, वो लोग डुमाने सर लाए थे किसी को, शायद वो कौन थे अर्जेंटीना के थे और क्यूबा से थी एक लड़की। अच्छा इतने दूसरे देशों से भी अर्जेंटीना, मेरे को बताया ना उन्होंने नाम से जो था वो अर्जेंटीना, आपको मालूम है अर्जेंटीना क्यूबा कहाँ पे है? नहीं वो तो उसमें देखा नक्शे में हमने। अच्छा नक्शे में देखा कि ये अर्जेंटीना है, तो बड़ी बात है इतनी दूर दूर से, तो उन लोगों को यकीन नहीं होता जैसे सर बोल रहे हमें यकीन नहीं हो रहा रूम में ये सब चीज का ले रहे वो।
फोटो तो उनको भी यकीन नहीं हुआ, तो उन्हें भोरा सा छोड़ के वहाँ भी आ गए चौपाल सागर, कोई दूर नहीं बोला। हम तो कंडा ही उड़ाता था, हम ट्रेनिंग कर उनको बाटी भी खिलाई हमने, बाटी भी नहीं पहचाने। हाँ यहाँ पे खा के गए, खिलाया हमने, कंडा नहीं पहचानते। जब चौपाल सागर में प्रोग्राम था तो 8 दिन बाद वो वहाँ भी आ गए, और दाल भी नहीं पहचानते थे उस दिन। नहीं तो वहाँ दाल खाते नहीं, उस दिन दाल बाटी बनाई थी हमारे यहाँ, पोहा दाल बाटी ये सब उनको नहीं। तो उसका दाल बाटी का फोटो ले गए थाली में रखी, उसका फोटो ले गए, बोले ये कंडे से बना हुआ है। तो हमको बड़ा वो भी लगा कि चलो ये लोग ने इतना तो ध्यान रखा के इस बात के लिए, लेकिन वो चौपाल सागर तक आए मेरे को वो समझ नहीं लगेगा। खाना खाओगे तो नहीं लगेगा, जैसे आजी भाई ने मेरे से पानी नहीं पिएंगे हम चौपाल सागर, पानी से भी वजन लगता है ट्रेनिंग करके। तो मैडम कह रही थी बोले पानी पिएंगे तो हमारे पेट में मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, पानी भी पड़ता है कैसे खाए, तो फिर हम तोड़ के दिन तो कैसे खाए, तो उसको तोड़ के दिन खा के बताए सब ने, आप लोगों ने खा के बताया। हाँ हमने सर ने बताया, डुमाने सर ने बताया, हमने भी खाया, हमने भी खाया। हेवी पड़ता सर वो, भारी चीज रहती है, वो लोग नहीं खाते चाय भी। अच्छा ये लड़कियों के लिए जैसे मैं अभी ये फिल्म ले जाऊंगा वहाँ दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में, तो कुछ कहना चाहती हूँ वहाँ की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप लोग कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते, आप जो ये काम कर रहे हो उसको देखने के बाद कुछ या करने के बाद आपका जो हुआ है, क्योंकि या महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहती हो कि जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं आप लोग भी आगे बढ़ो, या कुछ बात ये दिखाएंगे इस फिल्म को वहाँ जाके अपने तो गांव वो पूछेंगे इनसे। हाँ, कि भाई ये काम वहाँ कर रहा है, तो हमने जो काम करा हमने तो बहुत संघर्ष करा और बहुत परेशानी उठाई, यहाँ के हस्बैंड मतलब हमारे ऐसे दारू पीते रहे थे, तो उनसे भी हम यहाँ ने सभी सभी जगह के हस्बैंड पीते हैं, हमारे यहाँ की बता रहा क्या कि इस उससे गुजरते हम घर पे जाएंगे तो वो चीजें अलग हो जाती है, और जब यहाँ संगठन में आएंगे वो चीज अलग हो जाती है। तो इसलिए महिलाओं को हर किसी चीज से लड़के आगे ही चलना पड़ेगा जब ये काम कर पाएंगे, और उनको हम तो यही संदेश देंगे कि हर उम्र में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिससे मान सम्मान मिले, इज्जत मिले और पैसा भी अच्छा मिले वो काम आप करो, तो कोई शर्म नहीं है उसमें, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो उसी पे ही है, सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, और उसमें पढ़ाई भी जरूरी लगेगी, अगर लड़कियां हैं तो वो पढ़ाई भी करे पार्ट टाइम में और काम भी करे। आप कितनी पढ़ाई की बता रही थी ना आप मुझे? हाँ मेरा सर ये 12वीं है। वेरी गुड, कितना पढ़ाई की थी सर? मेरा 8वीं तक था और मेरिट में मेरा नाम आया था जिले के अंदर, इंदौर जिले में, तो मैंने नूतन कॉलेज इंदौर में परीक्षा दी, और उसके बाद फिर शादी हो गई तो फिर मैंने यहाँ से दिया पेपर, फिर मऊ से दिया। तो जब 12वीं में आ गई हैं अब 12वीं का भी एक साल में डिलीवरी टाइम था, तो सप्लीमेंट ही आ गए, अब देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कोई भी चीज जब आपने लक्ष्य तय कर लिया है कि नहीं करना है, तो जितने भी चीजें आई हैं समय पर, तो आपने उससे भी आगे निकल के किया है उस बात को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ेगा सर, बिल्कुल। जब वो काम करा था तब हमको ऐसा लगता था, लड़के जाते थे, लड़के जाते थे हम, और ऐसे मीटिंगों में भी गए हम। ठीक है, इस ये आप सब लोग इसी गांव में ये सब करते थे पहले? हाँ। कितने साल पहले की बात है? ये 2000 मतलब 12-13 साल हो गए ये काम छोड़े को, इसके पहले सब यही काम करते थे मेला उठाने, इसका कोई दूसरा काम नहीं था, ना घर पंचायत बुलाती ना कुछ नहीं, और छुआछूत बहुत होती थी यहाँ पर, तो लोग खेत में भी नहीं बुलाते, और ये अगर भोरा सा थोड़ा अपने देवास के कने, लेकिन जो गाँव है इसके देवास जिले का उसमें तो बहुत बेहतर हालत है, वहाँ तो बकरा बकरी का अपने को ये पत्ती काटने नहीं जान देते, कुएं से पानी नहीं भरने देते, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, ये वाल्मीकि समुदाय जो दलित है उनके लिए। तो हम एक की बात नहीं करते सर, हम पूरा जिले की बात करते, और जिले से आज ऊपर होके आज राष्ट्रीय गरिमा अभियान तक पहुँचा दिया इसको हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही जगह की बात नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप खूब आगे जाएं, और हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ और अच्छे से जुड़ सकें। कैसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं? जैसे अपनी एक ये मशीन थी जो 14 उसमें क्या कहते हैं तरीके काम डिजाइन है, ऐसी मशीनें हैं 85 डिजाइन है उसमें, 85 इतनी डिजाइन एक मशीन के अंदर है, कढ़ाई है, सिलाई है, सब तरह की सब काम उसी मशीन से। इसमें तो सर हम मतलब कोई से भी टाइम पे काम कर सकते हैं, घर पे भी ले जाके कर सकते हैं, लाइट रहेगी तो 12 बजे 10 बजे 11 बजे, इसमें अपना पैसा अपन को ही मिलना है, किसी की नौकरी के दबलदार में नहीं रहेंगे कि किसी के पास जाएंगे भैया 8 बजे से ड्यूटी है 2 बजे तक, या 11 बजे से 5 बजे तक, ये अपना टाइम है,
इसमें फुल पैसा, अगर मेहनत से या जी जान से अपन काम करें तो इसको एक अपना मतलब यूनिट बना के चले। तो ये आपकी आपकी दोस्त हो गई मशीन। हाँ सर, ये ऐसा दोस्त जो हमेशा आपको मदद करता है। यही सोचते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, यहाँ पे अच्छे तरक्की से चले, यही सोचते हैं हम। और गरिमा अभियान का नाम हो सर, जन साहस राष्ट्रीय गरिमा अभियान। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाई उनको बता।